छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के समापन के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समापन भाषण में कहा कि 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठक हुई, जिसमें सारगर्भित चर्चा की गई। नए सदस्यों ने दिखा दिया कि ये विधानसभा भी ऐसे ही जीवंत रहेगी। उन्होंने अजय चंद्राकर को सबसे सजग सदस्य बताते हुए कहा कि चंद्राकर 1 घंटे पहले आते हैं और 1 घंटे बाद जाते हैं, उनसे नए सदस्यों को सीखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि 5 दिन पूरे समय चर्चा हुई, छोटा सत्र था लेकिन काम महत्वपूर्ण किए गए। विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि 60 साल बाद प्रधानमंत्री ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला था कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान विधानसभा परिसर में चलाया, ये ग्रीन एरिया के रूप में विकसित होगा। विधानसभा सत्र में सभी सदस्यों की सक्रियता रही, पक्ष विपक्ष के लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण विषय रहा। विधानसभा के सदस्यों की जागरूकता के कारण यह संभव हुआ। अच्छा रहा, 5 दिन पूरे समय चर्चा हुई, रात को 9-9 बजे बैठ तक बैठ कर चर्चा हुआ, और चूंकि छोटा सत्र था और इस सत्र में काम काफी महत्वपूर्ण हुए, और पहले इस विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, बधाई दिया छत्तीसगढ़ की ओर से कि देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के एक 60 साल के बाद एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और छत्तीसगढ़ विधानसभा आपको शुभकामना प्रेषित करता है, बधाई देता है। तो एक प्रस्ताव पारित हुआ। विधानसभा का दूसरा महत्वपूर्ण, विधायकों ने 50 एकड़ के विधानसभा के परिसर में ही एक वृक्ष माँ के नाम वृक्षारोपण 50 एकड़ में किया, और वो स्थान एक पूर्ण विकसित एक टूरिज्म सेंटर के रूप में, ग्रीन एरिया के रूप में विकसित होगा, और हर किस्म के पेड़ वहाँ पे लगाए गए। जितने विधानसभा में चर्चा हुई, बातचीत हुई, उसमें सभी की सक्रियता, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष का पूरे समय विधानसभा में उपस्थिति, मुख्यमंत्री जी का पूरा विधानसभा के लिए समर्थन और सभी पक्ष विपक्ष के लोगों की भागीदारी, ये विधानसभा के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय रहा। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो अन्य विधानसभा से इस विधानसभा को अलग करता है, पहली बार ऑनलाइन हमने न केवल प्रश्न मंगाए बल्कि ध्यानाकर्षण भी आए, और आपको ताजुब होगा कि 96% 96% क्वेश्चन ऑनलाइन हमारे पास आए हैं, ध्यानाकर्षण ऑनलाइन है। तो एक विधानसभा के अंदर एक छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्यों की जागरूकता कहें, सक्रियता कहें, बस्तर से सरगुजा तक के लोग समय पर इतनी बड़ी संख्या में ध्यानाकर्षण आया, इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आया, और उस प्रश्न में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विषय को लेकर चर्चा भी हुई और बातचीत भी हम लोगों ने किया। इस विधानसभा के अंदर जो बिजनेस हुए, थोड़ा संक्षिप्त में ही बोलूँगा मैं, बहुत लंबा नहीं, 31 घंटे 19 मिनट की कार्य अवधि पे 5 दिनों में विधानसभा में चर्चा हुई। 5 बैठकों में 27 प्रश्न पूछे गए, 492 तारांकित, 474 अतारांकित प्रश्न, ऐसे 966 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, और प्रति बैठक 193 प्रश्न रहा। ध्यानाकर्षण की 367 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 142 ग्रह किया गया, 22 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित हुई, 137 स्थगन की सूचनाएं हुई, जिसमें एक सूचना को ग्रहता पर चर्चा उपरांत अग्रह किया गया, 267 का के अधीन शून्यकाल की 70 सूचनाएं प्राप्त हुई, और 232 याचिकाएं मानी सदस्यों के द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें 74 ग्रह किया गया, 3 विधेयक की सूचनाएं प्राप्त हुई, अशासकीय संकल्प आज 5 आया, प्रथम अनुपूरक में 5 घंटे 22 मिनट की चर्चा हुई,
और अशासकीय संकल्प में अभी तक हम चर्चा करते रहे और बातचीत करते रहे, तो निश्चित रूप से ये सत्र छोटा रहा। मगर आज विपक्ष को कहना पड़ा, जिसे आपने प्रश्न किया, कि पहला सत्र होगा जिसमें गांधी जी को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ी, समाधान हाउस के अंदर ही निकल गया। तो ये इसी प्रकार बेहतर वातावरण में, विधानसभा का काम ही विधान बनाना है। विधानसभा का काम ही क्या है? हम यहाँ पे विधायक बन के विधान बनाते हैं, कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण हो ड्यूरिंग सेशन, बिटवीन सेशन, सत्र के समय, सत्र में और सत्र के बाद। लोग बोलते हैं ना कि विधायक 40 दिन 50 दिन आता है, क्या करता है, बाकी दिन क्या ताकत है? विधानसभा की सारी ताकत विधानसभा की समितियों में आहूत रहती है, और समितियों की बैठक यानी वो मिनी विधानसभा होता है, जिसमें ऑडिट के सारे पैरा के अनुसार चर्चा होती है। एक बड़ी शक्ति होती है, जो जब विधानसभा नहीं चलता उस समय ये लगातार सक्रिय रहती हैं। ये ऐसे जो हमारी समिति हैं, वित्तीय समिति हैं, उसमें निश्चित रूप से सरकार के विभिन्न प्रकार के योजनाओं में किए गए काम की समीक्षा होती है, प्रांकलन के बारे में, उसके किए गए वर्क के बारे में सब चर्चा होती है। तो ये एक बड़ा दायित्व विधायकों का उसके बाद भी रहता है, इसलिए ये 365 दिन काम करने वाली शक्ति रहती है विधायिका।